हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप में अब तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, टीम इंडिया ने ICC वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 5 में से 5 मैच जीते हैं और अभी टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अभी तक हार्दिक पांड्या फिट नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते हुए उनको चोट लग गई थी और वे 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच नहीं खेल पाए थे। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, अब भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोस्तों, यह मैच लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाने स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, अब तक हार्दिक पांड्या फिट नहीं हुए हैं तो दोस्तों टीम इंडिया में किसको मौका मिलना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में जरूर बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ में इस विश्व कप का यह चौथा मैच खेला जाएगा। दोस्तों, अब तक यहां 3 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से टारगेट का पीछा करने वाली टीम 3 में से 2 मैच जीती है और इस मैदान पर इस वर्ल्ड कप में अब तक 47 विकेट गिरे हैं जिसमें से 26 तेज गेंदबाजों को मिली है और 15 विकेट स्पिन गेंदबाजों को मिला है। दोस्तों, तो ऐसा माना जा रहा है कि यह पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद पहुंचाएगा। दोस्तों, इस मैच में हार्दिक पांड्या की जगह एक बार फिर से हमको सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे और दोस्तों अगर यह पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद पहुंचाएगा तो दोस्तों मोहम्मद सिराज को इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा उसमें आराम दिया जा सकता है और मोहम्मद सिराज की जगह रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो बल्लेबाजी को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि दोस्तों रविचंद्रन अश्विन 8वें नंबर पर हमको बल्लेबाजी करते हुए हमको नजर आएंगे और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों भारत उसी प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव एक चेंजेस और दोस्तों मोहम्मद सिराज की जगह रविचंद्रन अश्विन को अगर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है तो मोहम्मद सिराज की जगह रविचंद्रन अश्विन हमको इस मैच में खेलते हुए हमको नजर आएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।